Kangana Ranaut, just shut up. So Kangana Ranaut, तुम बात करती हो फेमिनिज्म की, औरतों के रिस्पेक्ट की, तो तुमको फेमिनिज्म का एफ भी पता है? औरतों के रिस्पेक्ट की, तो तुमको फेमिनिज्म का एफ भी पता है? तुम हमेशा औरतों की, अपनी इज्जत की हमेशा बात करती हो, जब किसी और औरत की इज्जत की बात आती है या फिर कोई और बड़े आर्टिस्ट की बात आती है तो तुम उसको बी क्लास एक्ट्रेस बोल देती हो, सी कैटेगरी बोल देती हो, सॉफ्ट पोर्न बोल देती हो, और अगर कोई बंदा तुमको हराम खोर बोल दे तो तुम पूरे बीजेपी ले आती हो साथ में, तुम्हें वाई कैटेगरी में सिक्योरिटी मिल जाती है। हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो तो इतने ज्यादा वाहियात हैं कि मैंने ऐसे सपोर्टर्स नहीं देखे अपनी लाइफ के अंदर। आराध्या बच्चन को रेप थ्रेड्स दे रहे हैं, तुमने कभी भी निकल कर अपने सपोर्टर्स को ये बोला कि किसी को थ्रेड देने से अच्छा है रिस्पेक्ट दैट वूमेन, रिस्पेक्ट दैट लेडी? और जिस तरीके की तुम बात करती हो ना कि लोग तुम्हारे व्यूज को हमेशा सपोर्ट करें, तो ये जो चीज है ना ये इस देश के अंदर नहीं होती, क्योंकि इस देश में आपको अपने एक्सप्रेशन की, अपने स्पीच की, अपने हक की बात करने का पूरा आजादी है। और तुम बात करती हो कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, मुझे ड्रग दिया गया, मुझे ये किया गया, तो निकल के वो ड्रग डीलर का नाम क्यों नहीं बताती हो? और अगर तुम आदित्य ठाकरे के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाती हो, सीधा निशाना साधती हो, तो सीधा प्रूफ कर दो। सो कंगना रनावत, जस्ट शट अप, अभी ये सब मत करो, सब तुम्हारी चीजें समझ चुके। तुम ये जो पॉलिटिकल एजेंडा बना रही हो, दूसरी औरतों की बेइज्जती करवा रही हो, कि तुम्हारे सपोर्टर्स किसी को प्रोस्टिट्यूट बोल देते हैं, किसी को गंदी गंदी गालियां दे देते हैं, तो मैडम बाहर निकल के प्लीज आप अपने सपोर्टर्स को बोलिए कि रिस्पेक्ट करें वुमेन को। अगर आप नहीं कर सकती तो जस्ट शट योर माउथ नाउ, जस्ट शट अप कंगना रनावत, जस्ट शट योर माउथ। तो दोस्तों, मैं और रंगोली अभी उपवास पे हैं, 9 दिन हम लोग सिर्फ एक टाइम खाना खाएंगे शाम में, और ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज़ करेंगे, जो भी हमारी टेक्निक्स हमने सीखी है, साधना हमने सीखी है, रंगोली ने शाम्भु भी सीखी है, तो वो दिन में एक दो बार वही करेगी आसनास के साथ में। और मैंने शाम्भु भी, सूर्य क्रिया, शक्ति चलन, सामयमा, ये सब टेक्निक सीखी है, ये कई सालों की मेहनत है। तो मैं उसमें ना ज़्यादा जाकर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग कैसे वक्त का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो 7 चक्रास हैं, हम लोग ये जो हमारे बेसिक, मोस्ट बेसिक है, वैसे तो हमारे शरीर में बहुत चक्रास होते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड कैसे उसके थ्रू हम लोग एनर्जी को उसका चलन कर सकते हैं, शक्ति का। सो दोस्तों, अगर आपको कपालभाति आता है, बंधा आते हैं, तो मूलाधार के लिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं आते हैं तो सिंपल आप पेट में सांस भरी, रोकिए और छोड़िए, 10-15 बार करिए। रंगोली क्या कहते हैं उसको, उधर शोषण, इस प्रक्रिया को उधर शोषण कहते हैं। फिर ऊपर हम पहुंच जाते हैं जो हमारा मूलाधार अनहत है, उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स आते हैं उनको कवर करने के लिए। उसी तरह आप छाती में सांस भरिए, रोकिए और छोड़िए, इसको कहते हैं भस्त्रिका, 10-15 बार ये कर लीजिए। फिर ये हमारा विशुद्धि एक चक्र आता है, उसको भी हमारा बहुत कॉमन सा चांट है ओम, ओम आप 10-15 बार बोल लीजिए। और ये जो पूरा अग्न और इसको क्या बोलते हैं, सहस्त्रार, अग्न और सहस्त्रार को कवर करने के लिए आप आलोम विलोम, यहाँ से सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, ये 25-30 बार कर लीजिए, आप 10-15 बार भी कर लीजिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप दिन में 2-3 बार ये करते हैं, इट विल डू वंडर्स फॉर योर एनर्जी लेवल्स, एंड इट कैन बी बिगनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। आई कैन बी योर गुरु।